किस नारी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है? कहा, जो दूसरे के लिए समर्पित है। अर्थात कोई आ गया भूखा, भोजन करा दिया, प्यासा आया पानी पिला दिया, बहन बेटी आ गई उनका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार कर दिया, कुछ मिलता है उसे। ब्राह्मणों की पत्नी कोई अच्छा नहीं लगा अहिल्या को देखकर, ईर्ष्या जाग गई। ब्राह्मणों में ईर्ष्या नहीं थी, गौतम बाबा को देखकर भी, उनकी धर्म पत्नी को देखकर भी ईर्ष्या नहीं, पर ब्राह्मणियों की ईर्ष्या जागृत हो गई। अब जब ईर्ष्या जागृत हो गई, तब ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा, सुनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी और गौतम ऋषि हमारी भूमि पर नहीं रहना चाहिए, इनको धक्के मारकर निकाल दो, ऐसा कुछ करो कि इनका पद प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब घट जाए। कुछ ऐसा करो कि इनकी पद प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान कुछ घट जाए, करो कुछ ऐसा। अब क्या करा जाए ऐसा कि पद प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान चले जाए? तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का आवाहन किया। गणेश जी महाराज का आवाहन कर गणेश जी की स्मरण पूजन करी। स्मरण पूजन कर गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा, मांगो ब्राह्मणों, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा, बस एक काम कर दो कि ये गौतम बाबा के ऊपर गौ हत्या का दोष लग जाए, ऐसा कुछ कर दो। गणेश जी ने पूछा कि ये बताओ कि गौतम ऋषि ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? गौतम ऋषि ने क्या कह दिया? गौतम ऋषि ने शब्द कह दिए, गौतम ऋषि ने गाली दे दी, गौतम ऋषि ने अपशब्द कह दिया, या माँ अहिल्या ने कोई अपशब्द कह दिया, या ताना दे दिया हो, या अपशब्द कह दिया हो, या आड़ी टेढ़ी बात कह दिया हो, तो बात दूसरी। ना तो गौतम ऋषि कुछ बोले हैं, ना माँ अहिल्या कुछ बोली है, फिर क्यों ये गौतम ऋषि पर अपशब्द कहना? केवल ब्राह्मण की धर्म पत्नियों का यह विचार नहीं था। आज के समय में कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पहचानते नहीं, मोबाइल पर किसी ने बस एक कमेंट्स कर दिया कि ये बेकार है, और लोगों ना जाने ना पहचाने अंदर इतनी ईर्ष्या भरी रहती है कि उसमें लोग बेकार बेकार गालियां, अपशब्द, ताने, आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप किसी से मिले ना, जब तक आप किसी को देखे ना, जब तक आप उससे बात ना करें, जब आप एक बार भी मिले नहीं, देखा नहीं, ना जान ना पहचान, ना कभी कोई संबंध, ना कोई विचार, ना कभी भोजन, ना कभी पानी, कभी मिले ही नहीं, और उसने कह दिया कि बेकार, और आपने बेकार कहना चालू कर दिया, इसको श्रेष्ठता नहीं।